नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अभी तक राजकोषीय नीति का अध्ययन कर रहे थे और अब हम लोग जो है वो मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे। और ये दोनों ही नीतियां जो है वो नियंत्रक प्रकार की जो है नीति है, जिसके माध्यम से इकोनॉमी में जो है मनी या करेंसी इस तरीके की चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो हम लोगों ने इसके पहले राजकोषीय नीति का अध्ययन किया हुआ है और अब हम लोग जो है मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए राजकोषीय नीति इस बात का अध्ययन करता था कि सरकार के आय के क्या स्रोत होंगे और वो जो आय प्राप्त होगा उसका विभिन्न प्रकार की योजनाओं में और देश के विकास में किस तरीके से खर्च किया जाएगा, टैक्सेशन कैसे होगा, किस आय वर्ग को छूट दिया जाएगा, किस आय वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने राजकोषीय नीति के अंतर्गत देखा और समझा। अब हम लोग मौद्रिक नीति में जो है पढ़ेंगे कि जो आय प्राप्त होती है उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, अर्थव्यवस्था में उसका उसकी कितनी मात्रा जो है होनी चाहिए जिससे कि आर्थिक विकास की गति को आर्थिक विकास को गति प्रदान किया जा सके। तो इन सभी बातों के लिए मौद्रिक नीति का अध्ययन किया जाता है और इस मौद्रिक नीति को RBI के द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति जो है वो RBI के स्तर से जो है बनाया जाता है, RBI के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो भी इनकम अभी तक प्राप्त हो चुके हैं राजकोषीय नीति के माध्यम से, वह किस स्तर तक होना चाहिए जिससे देश में उतार चढ़ाव ज्यादा इकोनॉमी में ना होने पाए, स्थिरता हो, महंगाई पर नियंत्रण स्थापित हो, रोजगार की गति बढ़ सके, इन सभी बातों के लिए हम लोग मौद्रिक नीति का अध्ययन करते हैं। यानी कि मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाई गई एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और उसकी तरलता को जो है नियंत्रित किया जाता है। यहां पर एक शब्द आता है तरलता, लिक्विडिटी, तरलता, एक शब्द यहां पर आ रहा है तरलता, जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है। तरलता से तात्पर्य करेंसी के संदर्भ में, मुद्रा के ही संदर्भ में है। तरलता किसी भी वस्तु या कारक की वह विशेषता होती है जिसके माध्यम से बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के, बिना विलंब के जो है उसे नकद में चेंज किया जाता है। अब यहां पर यह समझना होगा कि चूंकि हम मौद्रिक नीति में मुद्रा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यहां पर यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यहां पर जो लिक्विडिटी की बात हो रही है वो मुद्रा के संदर्भ में हो रही है। और चूंकि मुद्रा जो होती है वो नकद में होती है, इसलिए मुद्रा जो है सबसे अधिक तरल वस्तु या तरल जो है माध्यम होता है। इसीलिए जो है यहां पर जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो यह कहा जाता है कि तरलता बढ़ गई है, और जब मुद्रा की मात्रा कम होता है तो यह कहा जाता है कि तरलता कम हुई है। अब यह RBI देश की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए समझते हुए इस तरीके की नीति बनाता है कि तरलता को बढ़ाना है या घटाना है। तो इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था में RBI के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना ही जो है RBI के द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है, या मौद्रिक नीति जो है कहलाता है, जिसके माध्यम से जो है तरलता को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो है कंट्रोल किया जाता है। तो अब मुद्रा के रूप में जो है ये तरलता आती है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। RBI का मुख्य कार्य यह है कि वो मौद्रिक नीति का इस तरीके से जो है विनियमन करे, रेगुलेशन करे, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ सके, अर्थव्यवस्था एक निश्चित गति से जो है आगे की तरफ बढ़ सके, रोजगार के अवसर हो, महंगाई जो है नियंत्रित हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को जो है नियंत्रित करना इसका महत्वपूर्ण काम होता है। अर्थव्यवस्था की जो है स्थिरता जो है प्रदान करना और मुद्रा स्फीति को जो है नियंत्रित करना। अभी हम एक एक करके इसको समझते हैं। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, ये सभी जो है समस्याएं हैं। बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई पर नियंत्रण।
अक्सर हम लोग आसपास में ये सुनते रहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आज अलग अलग वस्तुओं के बारे में जो हम आपस में चर्चा करते हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल है या खाद्यान्न की चीजें हो, सब्जी हो, फल हो, दूध, यानी कि रोज हम लोग अपने जीवन में जिन वस्तुओं का जो है प्रयोग करते हैं या विभिन्न प्रकार की सेवाओं को लेते हैं, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हर वर्ग और समाज से आती रहती हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो RBI का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई पर नियंत्रण स्थापित हो सके। तो मुझे लगता है कि इन सभी उदाहरण के माध्यम से मौद्रिक नीति को समझ लिए होंगे कि मौद्रिक नीति का क्या तात्पर्य है। बेसिकली RBI की एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो है आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे इन सभी उद्देश्यों को जो है प्राप्त करना संभव हो सके, वह RBI की मौद्रिक नीति होती है। उतार चढ़ाव को रोकता है। जब उतार चढ़ाव नहीं होगा तो स्वतः ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, निवेश के लिए एक स्वस्थ जो है आर्थिक प्रवेश का निर्माण करता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो वैदेशिक स्तर पर निवेश होते हैं, बेसिकली वो निवेश भी इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा देश कितना स्थिर है। वहां पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के लीगल मैटर्स पर किस तरीके से जो है आसानी हो रही है, किस तरीके से जो है कार्य आसानी से निपट रहे हैं, सिंगल क्लियरेंस है वहां पर, एकल जो है निपटान खिड़की जिसको कहा जाता है, सिंगल क्लियरेंस विंडो, इस तरीके की बातें जहां पे होती हैं वहां पे आसानी से जो है निवेश किया जाता है। और जब निवेश होता है तो अपने साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की लाता है किसी देश में जो है रोजगार की भी जो है दशाएं वहां पे बनती हैं। तो मुद्रा स्फीति को किस तरीके से नियंत्रित, एक लेक्चर हम लोग मुद्रा स्फीति पर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक है इकोनॉमी का। और मुद्रा स्फीति से देश की काफी कुछ जो है गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो हम मुद्रा स्फीति को लेंगे। लेकिन इतना केवल ये समझ लेना है कि मुद्रा स्फीति मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। वैसे भी जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर रोज किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, और अपेक्षाकृत अगर कोई भी व्यक्ति 2-4 साल में मिलता है तो उसका महत्व। अब यहाँ पर मुद्रा स्फीति के संदर्भ में अगर कुछ उदाहरण को लिया जाए कि अगर वस्तु और सेवा का मूल्य किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का मूल्य जो है 100 यूनिट है एक समय विशेष पर, और अगर मुद्रा की मात्रा जो है वहां पर 110 हो जाता है, तो निश्चित तौर पर इसका मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। अर्थात जो है एक निश्चित समय पर जो है वस्तु और सेवाओं के मूल्य की तुलना में जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य वहां पर कम हो जाता है, और उसी स्थिति को मुद्रा स्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मुद्रा के मूल्य में थोड़ी सी कमी आ जाना। अब इसको ये इस तरीके से समझेंगे कि ये जो है सीधे इससे भी संबंधित है, इससे संबंधित है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये व्यवहारिक स्तर पर देख लिया जाए कि किसी चीज का उत्पादन किसी वर्ष में अगर ज्यादा हो जाता है तो उसका मूल्य कम होता है। जैसे आलू का उत्पादन किसानों के द्वारा अगर ज्यादा हो गया तो कहेंगे कि आलू इतना ज्यादा उत्पादित हो गया है कि इस बार सस्ता है। तो उसी तरीके से जब वो ज्यादा हो जाएगा तो उसका मूल्य जो है वो कम हो जाता है। उसी तरीके से मुद्रा की जो है एक समय पे अगर ज्यादा जो है मुद्रा की मात्रा हो जाती है तो वह उसका मूल्य जो है वो कम हो जाता है, और उसी को कहा जाता है मुद्रा स्फीति, और जिसका नियंत्रण करना भी जो है RBI का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब महंगाई पर नियंत्रण किस तरीके से होता है, महंगाई पर जो है नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, अब ये मुद्रा स्फीति अगर जो है बढ़ रही है तो वह मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में पहुंचने से जो है नियंत्रण करने का प्रयास करती है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के जो है पॉलिसी जो उसकी होती है, आगे के लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे कि किस तरीके से वो रेपो रेट और रेपो रिवर्स रेपो रेट इत्यादि को जो है नियंत्रित करता है, घटाता है और बढ़ाता है, जिससे कि जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जो है कम या ज्यादा होती है। अगर ज्यादा हो रही है तो वह उसको घटाने के लिए जो है पॉलिसी जो है अपना बनाता है। रेपो रेट जो होता है वो अल्पकालिक जो है दर होता है, जो कि RBI के द्वारा अपने वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है। यानी कि रेपो रेट एक ऐसा दर है जिस पे RBI अपने वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है। अगर दर उसकी जो है कम कर देता है
उस स्थिति में ऋण ज्यादा लिया जाएगा और अर्थव्यवस्था में जो है वो वाणिज्यिक बैंक उसको ज्यादा लोन देंगे तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा जो है पहुंच जाएगी, तो एक समय विशेष पर मुद्रा का मूल्य वहां घटेगा और मुद्रा स्फीति बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की नीतियां आगे के लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका उद्देश्य एक जो है मुद्रा स्फीति को भी कहीं ना कहीं नियंत्रण करके जो है महंगाई पर जो है नियंत्रण स्थापित करना होता है, क्योंकि जब मुद्रा का मूल्य घटेगा तो उस समय महंगाई बढ़ जाएगी, कि यानी कि कोई सामान पहले जो 100 रुपए में मिलता था अब वो जो है 105 रुपए में अगर मिलना शुरू हो गया, और वस्तु तो वही है, वस्तु वही है और वो पहले 100 रुपए में मिलता था अब 105 रुपए में मिल रहा है, इसलिए क्योंकि मुद्रा का मूल्य वहां पे घट रहा है वस्तु की तुलना में, और यह जो है महंगाई का कारण बनता है। तो इस तरीके से RBI के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे संतुलन बना रहे, अर्थव्यवस्था एक निश्चित गति के साथ आगे बढ़ रहा हो, रोजगार की दशाएं हो और महंगाई पर नियंत्रण स्थापित हो। तो ये कुल मिलाकर के RBI के द्वारा जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है, जिससे एक निश्चित समय विशेष पर RBI के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को आपूर्ति को नियंत्रित करके जो है तरलता को कम या ज्यादा करने का जो है प्रयास किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें मुद्रा को समझ लेंगे, मुद्रा के बारे में ही मौद्रिक नीति संबंधित है, तो मुद्रा को हम लोग थोड़ा सा जो है किस तरीके से विकास हुआ, उसकी आपूर्ति, उसका निर्गमन कैसे होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग जो समझने का प्रयास करेंगे। करेंसी होती है मुद्रा। मुद्रा एक ऐसा जो माध्यम है, एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा आर्थिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के लेन देन में एक माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि मुद्रा वह कारक है जिसे आर्थिक गतिविधियों में विभिन्न वस्तुओं के लेन देन के लिए जो है विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, मतलब बदलना। अब मुद्रा जो है एक सामान्य माध्यम है जिसको विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के लिए, सामान्य क्या होता है, जिसको हर परिस्थिति में, हर जगह, हर प्रकार के वस्तु, हर प्रकार की सेवा को खरीदने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आप चाहे कोई जूता खरीदने जा रहे हैं, कोई साइकिल खरीदने जा रहे हैं, बाइक खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, हर जगह पर उस मुद्रा को जो प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए एक मुद्रा एक सामान्य कारक है जिसे हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में विनिमय के माध्यम के रूप में जो प्रयोग में लाते हैं। अर्थात मुद्रा जो है वह मूल्य का मापन करता है, मूल्य का संचय करता है और मूल्य का हस्तांतरण भी उसके स्तर पर किया जाना संभव हो पाता है। तो मुद्रा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम के रूप में जो स्वीकार करते हैं, तो वह होता है मुद्रा। अब मुद्रा का विकास भी जो है समय के अनुसार जो है हुआ है। पहले वस्तु मुद्रा प्रयोग में लाई जाती थी, वस्तु मुद्रा होती थी। अब इसे वस्तु मुद्रा इसलिए कहा जाता है था क्योंकि पहले जब एक पत्र या धातु मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो कोई सामान किसी से लेने के बदले कोई वस्तु उसको दे दिया जाता था, तो एक वस्तु मुद्रा उसको मान लिया जाता था कि विनिमय का वो भी एक प्रारंभिक स्तर पर एक मानक था, तो इसलिए उसको वस्तु मुद्रा कह दिया जाता था। बाद में जो है धातु मुद्रा आया है, धातु मुद्रा, यानी कि पहले वस्तु मुद्रा, पुनः जो है धातु मुद्रा जो है आता है। अब धातु में विभिन्न धातुओं के, पीतल के, तांबे के, जो हम मध्यकाल या प्राचीन काल से ही जो पढ़ते हुए आ रहे हैं इतिहास में, सोने के जो है मुद्रा, तो इस तरीके से कांसे के मुद्रा, तांबे की मुद्रा, ये विभिन्न धातुओं के जो है मुद्रा प्रयोग में लाए जाते थे। अब इसके मूल्य, विभिन्न मूल्यों के जो है और भारी मात्रा में जो है विनिमय के माध्यम को उपलब्ध करवाने के लिए जो है पत्र मुद्रा, जो कि वर्तमान समय में जो व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया, पेपर करेंसी जो है उपयोग में लाई गई, और बाद में जो है यहां तक इसमें जो है साख मुद्रा भी आ गया, साख मुद्रा। तो यह कुल मिलाकर के जो मुद्रा का एक विकास है, विकास क्रम है, वस्तु के रूप में पहले प्रयोग में लाया जाता था, उसके बाद धातु के रूप में लाया गया जो है, पुनः जो है पत्र के रूप में, पेपर के रूप में लाया गया, और बाद में जो है साख मुद्रा के रूप में भी जो इसको प्रयोग में लाया गया जो है। और साख मुद्रा एक विशिष्ट प्रकार की जो मुद्रा है, एक साख मुद्रा एक ऐसी मुद्रा या माध्यम है जो जारी करने वाले जो है संगठन या व्यक्ति के साख पर निर्भर करता है,
चूंकि यह उसके साख पर निर्भर करता है, इसलिए जो है इसे लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आता है, यानी कि यह विधि ग्राह्य नहीं होता है। विधि ग्राह्य नहीं होता है मतलब इसका लीगल कोई जो है वैल्यू नहीं होता है, यानी कि उसके मूल्य को बदलने के लिए हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह जारी करने वाले की साख पर निर्भर करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं, विनिमय पत्र है, हुंडी है, चेक है, डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट। तो इस तरीके से जो है साख पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, चेक और डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक के माध्यम से जो बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है साख जो है मुद्राएं जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। साख मुद्रा विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग में लाए जाते हैं विनिमय के जो माध्यम के रूप में। तो ये हुई जो है मुद्रा के जो विकास का एक क्रम कि जो है वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा के रूप में जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। तो हमने देखा मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा का जो विकास। अब मुद्रा के जो है निर्गमन को थोड़ा सा समझेंगे। मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन का मतलब मुद्रा की छपाई से है। मुद्रा का निर्गमन का तात्पर्य मुद्रा की छपाई से। इसमें हम दो चीजों को जो है देखते हैं जब मुद्रा का निर्गमन पढ़ते हैं, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा का जो है निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है और किस रीति से किया जाता है, यानी कि पद्धति उसकी क्या है। इन दोनों ही चीजों का जो हम लोग इसके अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन एक इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है इकोनॉमी का। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस पर टिप्पणी भी लिखने को आ सकता है मुख्य परीक्षा के स्तर पर, इंटरव्यू साक्षात्कार में भी यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली किसके माध्यम से जारी किया जाता है, तो मुद्रा जो है वो सरकार और आरबीआई दोनों के स्तर पे है, लेकिन आरबीआई के द्वारा जो है मुख्यतः जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है और सरकार के द्वारा भी जो है एक रुपए के नोट या इससे जो है सिक्के इत्यादि जो है ढलाई वहां पे किए जाते हैं, लेकिन आरबीआई के द्वारा बड़े मूल्य के जो है मुद्रा का जो है निर्गमन किया जाता है। तो आरबीआई मुख्य रूप से है, बाकी एक रुपए की नोट पर एक सवाल भी कभी कभी पूछता है कि किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये जो है वित्त सचिव के उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं एक रुपए के मूल्य के नोट पर। तो एक रुपए के मूल्य का नोट सरकार के द्वारा, बाकी जो है आरबीआई के द्वारा जो है इसका निर्गमन किया जाता है, यानी कि मुद्रा की छपाई इसके द्वारा किया जाता है। इसमें जो है न्यूनतम कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। यह 1956 से जो है लागू हुआ है। 1956 के पूर्व में जो है, 1956 के पूर्व में आरबीआई के द्वारा आनुपातिक कोष पद्धति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1956 से इसमें परिवर्तन किया गया और अब जो है वो न्यूनतम कोष पद्धति के माध्यम से मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। यानी कि एक न्यूनतम जो है प्रतिभूति का होना आवश्यक है, यानी कि आरबीआई कहने का तात्पर्य है कि वो भी नियमों से बंधा हुआ है, वो अपने तरीके से या बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जो है सीमा के वह मुद्रा की छपाई नहीं कर सकता है। एक समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में एक निश्चित मात्रा में जो है वस्तु और सेवाओं का होना आवश्यक है और उसी के अगेंस्ट ही वह मुद्रा और करेंसी जारी कर सकता है। अदरवाइज अगर वह वस्तु और सेवा के मूल्य की तुलना में ज्यादा मुद्रा की छपाई कर देता है तो वहां पर मुद्रा का मूल्य घटेगा, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रा स्फीति जो है बढ़ना तय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा एक पद्धति विकसित की गई है और उसी के माध्यम से वो जो है मुद्रा की छपाई करने का काम करता है, और वो है न्यूनतम कोष पद्धति, जिसके अंतर्गत जो है 200 करोड़ की जो है प्रतिभूति होना आवश्यक है। यहां पर एक शब्द आ रहा है प्रतिभूति। मैंने पूर्व के भी लेक्चर में बताया कि अगर कोई शब्द आपको आते हैं तो उन शब्दों का मतलब जो है आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिभूति का मतलब होता है गारंटी, यानी कि जो मुद्रा की छपाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है इतने करोड़ रुपए की एक गारंटी होती है कि कोई समस्या अगर आती है तो उसे जो है इसके माध्यम से जो है प्रतिपूर्ति किया जाएगा। और इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ प्लस जो है 85 करोड़ का जो है
प्रतिभूति होता है 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का जो है ये विदेशी जो है मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा होती है और ये दोनों जो है मिलकर के जो है 200 करोड़ रुपए की प्रतिभूति का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर आरबीआई के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मुद्रा के निर्गमन का मतलब हो गया मुद्रा को छापना, ये किसके द्वारा छपाई इसकी की जाती है और किस माध्यम से किया जाता है, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। यानी कि 1956 एक इंपॉर्टेंट, अगर फैक्ट की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम कोष पद्धति इंपॉर्टेंट है, 200 करोड़ रुपए की का इंपॉर्टेंट है और 1 रुपए का जो है वो नोट इंपॉर्टेंट है कि इस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये रही जो है मुद्रा के जो है निर्गमन का कार्य, मुद्रा निर्गमन का कार्य जो है आप लोगों ने समझा, और मुद्रा की आपूर्ति, इसके बाद हम लोग जो है मुद्रा की आपूर्ति देखेंगे, क्योंकि मुद्रा का निर्गमन होने के बाद जो है मुद्रा की आपूर्ति देखा जाता है। मुद्रा की आपूर्ति, जैसे मुद्रा अगर अर्थव्यवस्था में कितनी भी मात्रा में हो लेकिन वह मुद्रा जो कि आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध होती है या जिसका कि हम लेन देन में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वही आपूर्ति की श्रेणी में आती है। यानी कि मुद्रा की आपूर्ति से तात्पर्य एक निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में सृजित जो है मुद्रा की देयता से है। अब यहां पर एक शब्द आता है देयता, यानी कि उसकी लायबिलिटी से है कि वह अपने बदले जो है कितना जो है विनिमय का माध्यम बन पा रहा है, वह मुद्रा कितना जो है विनिमय का माध्यम जो है बन पा रही है, यही होता है जो है मुद्रा की जो है आपूर्ति। और मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत जो है बैंकों के द्वारा जारी किए गए विभिन्न मूल्य के जो है विभिन्न मूल्य के पत्र मुद्रा होते हैं, सरकार के द्वारा जारी किए गए जो है मुद्रा और जो है बैंकों में जमा किए गए मांग जमा। तो यहां पर हमने दो शब्द प्रयोग किया, देयता और दूसरा है जो है मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। देयता का मतलब यह हो गया कि उसकी जो है कितनी लायबिलिटी है, कितनी जो जिम्मेदारी है, वही मुद्रा की आपूर्ति की श्रेणी में होता है। मांग जमा का मतलब जो है जनता के द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंकों में जो है जमा किए गए उस धनराशि से है जिसे वह किसी समय पे जो है निकाल सकता है अपने खर्च के लिए, तो वो हो जाता है मांग जमा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है 7 वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको कहा जाता है हिंदी में सावधि, एक शब्द यहां पर प्रयोग आ रहा है सावधि जमा, एक सावधि मतलब हो गया कि निश्चित अवधि के लिए जमा, जिसको कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स जो है डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा। तो इसे आप जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में नहीं शामिल कर सकते हैं, इसको मांग जमा नहीं कर सकते, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ही जो है वो बैंक आपको उसके मैच्योरिटी टाइम यानी कि परिपक्वता अवधि पर देगा। परिपक्वता का मतलब निश्चित समय के लिए जो भी चीजें जमा की गई हैं, जब वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब उसकी जो है परिपक्वता हो जाएगी और उसी के कारण से इसको सावधि जमा कहा जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि मुद्रा की आपूर्ति में क्या क्या चीजें जो है सम्मिलित होती हैं। मुद्रा की आपूर्ति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से बहुत ही नजदीकी संबंध होता है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति से स्वयं मुद्रा का मूल्य भी निश्चित होता है, निर्धारित होता है, क्योंकि इसके पहले भी बताया गया कि एक निश्चित समय पर अगर वस्तु और सेवाओं की मूल्य की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका मूल्य घटेगा, मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। यानी कि मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की स्फीति, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक गतिविधियां जो है वो मुद्रा की आपूर्ति पर जो है वो निर्भर करता है। मुद्रा की आपूर्ति के संदर्भ में ग्रेसम का जो है कथन है कि एक समय पे अगर अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की मुद्राएं विद्यमान हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। ये सेंटेंस कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया, तो डेफिनेटली अगर आप जीएस भी पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी होना चाहिए कि ग्रेसम ने जो है कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। बेसिकली इसका तात्पर्य यह है कि एक समय पे जैसे हम लोगों के पास ही अगर अलग अलग तरीके की नोट हो तो उसमें जो अच्छी नोट होगी वो व्यक्ति अपने पास रख लेगा, खराब किस्म की नोट या कुछ थोड़ी मोड़ी फटी नोट जो है वो बाजार में जो है वस्तुओं को खरीदने में प्रयोग करता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि चलन में जो है वो अच्छी मुद्रा की अपेक्षा जो है कुछ रफ या बुरी प्रकार की जो मुद्रा जो है प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि
बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, ये कथन है जो है आपके ग्रेशम का। ग्रेशम ने जो ये कहा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। मुद्रा की आपूर्ति के संदर्भ में ये बातें आई हैं। मुद्रा की आपूर्ति के संदर्भ में समय समय पर जो है कमेटी बनती रही है वाई बी रेड्डी, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया था। इनके रिकमेंडेशन के आधार पर मुद्रा की जो है आपूर्ति और तरलता, आपूर्ति और तरलता के आधार पर चार प्रकार की और क्रमशः तीन प्रकार के जो है मुद्रा की जो है बात कही गई है, M1, M2 और M3। इसी तरीके से तरलता में जो है L1 है, L2 है और L3। बहुत अंदर तक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं मौद्रिक नीति को तो जाने के अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके इकोनॉमी के बजाय वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग केवल इतना ही समझते हैं कि आपूर्ति में चार प्रकार के मानक M0, उसके बाद जो है M1, M2, M3 और इसी तरीके से L1, L2, L3, तीन प्रकार की तरलता की बात वाई बी रेड्डी की कमेटी ने रिकमेंडेशन इस तरीके से दिया था। तो मुद्रा की आपूर्ति का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो है सृजित देयता से जो है, यानी कि मुद्रा की जो सृजित देयता है उसी से जो मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इसमें बैंकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मूल्य के जो नोट जारी किए गए वो सरकार के द्वारा और जनता की जो है मांग जमा जो है सम्मिलित की जाती है। मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मुद्रा की आपूर्ति जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। मुद्रा के कार्य को जो है हम चूंकि पॉइंट वाइज इसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत जो है इस चीज का अध्ययन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है अध्ययन करने का वो केवल प्रारंभिक परीक्षा नहीं बल्कि मेंस का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम एक एक पॉइंट करके जो है इन चीजों को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जब मुद्रा की परिभाषा को देखा था तो वहां पर भी ये चीज हमने बताया था कि मुद्रा का कार्य जो है मूल्य का संचय, मूल्य का जो है हस्तांतरण, मुद्रा का जो है मापन वस्तुओं के जो मूल्य का मापन, यानी मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण भी होता है, साख का जो है सृजन भी करता है, साख का जो है सृजन करता है, पूंजी का आधार है और आय का वितरण इसके माध्यम से होता है, आय का वितरण। इन सभी चीजों को अगर आप स्वतः अपने स्तर पर जो सोचेंगे तो इसके उत्तर निकल करके स्वयं आएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ जो है राज व्यवस्था, ये दोनों ऐसे जो है जीएस के विषय हैं जो व्यवहार में हम लोग देखते हैं। अगर उसका अपने स्तर पर सोचे, अपने जीवन में जो है देखने का प्रयास करेंगे तो खुद ब खुद कई प्रश्नों के उत्तर जो है निकल के सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मापन का मतलब यह हो गया कि किसी वस्तु के मूल्य का मापन जब करने से तात्पर्य कि कोई सामान अगर खरीदते हैं तो उसका मूल्य कितना होगा वो मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है, मुद्रा के रूप में व्यक्त होता है, संचय किया जाता है, हस्तांतरण भी होता है, साख का सृजन यानी पूंजी का आधार, आय का वितरण। पूंजी का आधार धन और पूंजी में यही अंतर होता है कि अगर हम कोई भी करेंसी है या कोई भी धनराशि है अगर हम अपने पास रख लेते हैं तो उससे विकास या कोई भी हमारी आय नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर हम उत्पादन की गतिविधियों में प्रयुक्त करते हैं तो वो जो है कैपिटल हो जाता है और उससे जो है हमें कुछ प्राप्तियां होने की जो है संभावना होती है। इसी तरीके से आय का वितरण भी जो है वो सुनिश्चित करता है कि किस तरीके से जो है देश की जो इनकम हो रही है वो विभिन्न प्रकार के जो वर्गों में, विभिन्न प्रकार के लोगों में जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इसका भी निर्धारण कहीं ना कहीं जो है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। तो ये हम लोगों के जो है मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को सम्मिलित करते हुए प्री कम मेंस के जो अप्रोच और पैटर्न पर जो इकोनॉमी को जो है पढ़ने का तरीका है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो मौद्रिक नीति के अर्थ, उसके जो है उद्देश्य, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है, उसकी आपूर्ति और कार्य का जो है इस लेक्चर में अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीजें इसके माध्यम से आप लोगों को समझ में आई होंगी। पुनः अगले लेक्चर में हम इसी मुद्रा के ऊपर बनाई गई मौद्रिक नीति के अगले जो है
पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना अध्ययन कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।